जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है द रेड लेटर। अक्सर आपने सुना होगा, पुराने कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है। अब आपकी किस्मत अच्छे कर्म लेकर आई है या बुरे कर्म, इस पर निर्भर करेगा कि आपका यह जीवन कैसा होगा। सुहान लखनऊ लौट आया था। लगभग 15 साल सिंगापुर नौकरी करने के बाद अब उसने खुद का बिजनेस शुरू कर लेने का मन बना लिया था। एक आलीशान अपार्टमेंट में उसने फ्लैट भी ले लिया। अपनी बालकनी की ऊंचाई से शहर को देखना सुहान को बेहद पसंद था, इसलिए सबसे बेहतरीन व्यू वाला फ्लैट चुना उसने। सही मुहूर्त देखा और उसने फ्लैट में शिफ्ट भी कर लिया। पहले तो कुछ दिन उसको खुद को व्यवस्थित करने में लगे, पर जब वो सेट हो गया तो धीरे धीरे महंगे सामान फ्लैट में आने लगे। उसने एक लग्जरी कार भी ले ली जिसमें देर रात वो शहर के चक्कर लगा लेता। आसपास के लोग भी उसके व्यवहार से प्रभावित थे, और हो भी क्यों ना। शालीनता से बात करने वाला सुहान अपने इस टैलेंट के लिए जाना जाता था। जो भी उससे मिलता बस कुछ ही पलों में उसका फैन बन जाता। लगभग हर हफ्ते एक किताब खत्म करने वाला सुहान दुनिया भर का ज्ञान रखता था। फिर उससे कोई पॉलिटिक्स पर बात करना चाहे या फिर स्पिरिचुअलिटी पर, उसका ज्ञान कम नहीं पड़ता था। आज लगभग 1 महीने होने को आए थे और सुहान रोज की तरह बालकनी में चाय की चुस्की ले रहा था। हवा की गुदगुदाहट उसके बालों को सहला रही थी। मन हुआ कि आज म्यूजिक का मजा भी लिया जाए। वो अंदर की ओर गया ही था कि डोरबेल की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। इस समय कौन होगा, बुदबुदाते उसने दरवाजे की ओर का रास्ता लिया। पर जब उसने दरवाजा खोला तो पाया बाहर कोई है ही नहीं। उसने बाहर निकल इधर उधर देखा पर कोई भी नजर ना आया। आसपास के फ्लैट्स के दरवाजे भी बंद थे। हैरानी में वो वापस मुड़ा तो पाया उसके दरवाजे के ठीक दाईं ओर एक लेटर पड़ा है जिसके ऊपर गुलाब का एक फूल भी रखा है। उसने हड़बड़ाहट में वो लेटर उठाया पर गुलाब का एक कांटा उसकी उंगली में चुभ गया। खून की एक छोटी सी बूंद उसकी उंगली पर उभर आई। उंगली को मुंह में रख वो अंदर आ गया। गुलाब को उसने टेबल पर रख दिया और लेटर को लिफाफे से बाहर निकाला। लेटर के बाहर आते सुहान को मन मोह लेने वाली खुशबू ने घेर लिया। उसने लेटर को नाक के नजदीक किया ये जानने के लिए कि क्या यह खुशबू उस लेटर से आ रही है। पर जब उसने लेटर को सूंघा तो उसे यकीन हो गया कि जरूर यह लेटर किसी सेंटेड पदार्थ से बनाया गया है। थोड़ा सोचने के बाद उसने लेटर को खोला, पर उसके खुलते ही सुहान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। लेटर पर लिखे शब्द खून का रंग उड़े बैठे थे। शायद किसी ने ह्यूमन ब्लड का इस्तेमाल कर उसे लिखा था। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ऐसा कौन करेगा, और सुहान का यह एड्रेस वो भी तो अभी किसी के पास नहीं था। आश्चर्य में उसने लेटर पढ़ना शुरू किया। जो खेल अधूरा रह गया वो अब पूरा होगा। नियति जो तुम्हारी मैं लिखूंगा अब वही सच होगा। आज से ठीक 3 दिन बाद तुम्हारे कदम तुम्हें दगा दे देंगे, चक्षु भ्रम पैदा करेंगे और तुम लाचार हो जाओगे। सुहान कुछ पल के लिए सुन्न सा पड़ गया। फिर उसे लगा ये कोई मजाक भी तो हो सकता है, भला उसके साथ कोई ऐसा क्यों करेगा। और आखिर अजीब सी बातें भी तो लिखी हैं इस खत में। उसने ये बात मुंबई के दोस्त अक्षय को बताई। अक्षय तो अगले 30 सेकंड्स तक हंसता रहा। अरे भाई तूने मान लिया,
अबे नया नया आया है, कोई तेरे मजे ले रहा है। हलवा है क्या कि कोई ये बता देगा कि तेरे साथ आगे क्या होगा? चल रिलैक्स कर और एक सिक्योरिटी कैमरा ठीक फ्लैट के बाहर लगा ले, पकड़ा जाएगा जो भी है। दोस्त की बात ने सुहान को थोड़ा आराम दे दिया। रात बीती और वो भी इस बात को भूल गया। तीसरे दिन तो सुहान को लेटर की बात याद भी न थी। वो रोज की तरह शाम की चाय के बाद बाहर टहलने निकला तो पहले सब कुछ नॉर्मल था। कुछ लोग हंसते गाते उसके पास से निकलते तो कुछ बच्चे सामने मैदान में फुटबॉल खेलते नजर आते। वो आइसक्रीम वाला भी आज व्यस्त दिख रहा था, जो ठीक अपार्टमेंट के बाहर अपना डेरा जमाता था। पर जैसे जैसे वो अपार्टमेंट से दूर जाता जा रहा था, अंधेरा उसको घेरने लगा। कुछ पल बाद हर ओर सन्नाटा सा बिछ गया। आसपास न तो गाड़ियां नजर आ रही थी और न लोग। सुहान ने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आया। सब कुछ बेहद अजीब था। इस तरह की खामोशी उसने आज तक नहीं देखी थी। पर उसके कदम तब ठहर गए जब एक चीख ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसके ठीक सामने दाईं ओर लगे पेड़ से एक औरत को मोटी रस्सी से लटकाया जा रहा था। उसका गला घूंट रहा था, आंखें बाहर को आ गई थीं, और एक लंबे आकार वाला व्यक्ति उस लड़की के गले में बंधी रस्सी को धीरे धीरे खींच रहा था। सुहान उसे रोकना चाहता था पर वो हिल भी न सका। फटी आंखों से वो बस उस लड़की को घूंट घूंट कर मरता देखता रहा। पर जब उसे यह सब देखा ना गया तो उसने आंखें मीच ली। इस भयानक मंजर ने उसके पूरे शरीर को जटिल बना दिया। उसके पांव कांपने लगे पर अचानक कुछ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज ने उसे हैरान कर दिया। उसने आंखें खोली तो पाया वो रोड के बीचों बीच खड़ा है। गाड़ियां उसके इर्द गिर्द जमा हैं। लोग सुहान को देख हैरान थे। सुहान को कुछ समझ नहीं आया, वो तो अभी कहीं और खड़ा था। लोगों का कहना था वो सबसे बिजी रोड पर, जिन पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ती हैं, उस पर ऐसे चला गया मानो किसी पार्क में टहल रहा हो। किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। लेकिन कुछ गाड़ियां आपस में भिड़ गईं, जिसके चलते सुहान पर पुलिस केस बन गया। सुहान की सोच के परे थी ये बातें। पुलिस स्टेशन से जब वो घर लौटा तो सदमे में था। आखिर उसके साथ हुआ तो क्या हुआ? वो कब उस रोड पर चला गया? और गया तो गया कैसे? और वो जगह क्या थी जो देख रहा था? बदहवास हालत में उस सोफे पर लौट गया। फिर अचानक उसे लेटर की याद आई। उसने तुरंत वो लेटर खोला। जो खेल अधूरा रह गया वो अब पूरा होगा। नियति जो तुम्हारी मैं लिखूंगा वो ही सच होगा। आज से ठीक 3 दिन बाद तुम्हारे कदम तुम्हें दगा दे देंगे, चक्षु भ्रम पैदा करेंगे और तुम लाचार हो जाओगे। ये पढ़ते ही सुहान मौन रह गया। हाँ, आज तीसरा दिन ही तो है। मेरे पैर काबू में नहीं थे, आंखें धोखा दे गई। मैं बस बेबस खड़ा था। सच तो है ये सब? क्या मेरे साथ जो लिखा है वही घटा? सुहान अब बेचैन हो गया। माथे पर आए पसीने को उसने पोंछा और सामने रखा पानी पी लिया। उसने तुरंत बैल्कनी से बाहर झांका कि शायद उस पर कोई निगरानी रखे हुए है, पर कोई ना दिखा। उसने फ्लैट के बाहर आकर भी इधर उधर देखा पर हर ओर सूनापन ही पसरा था। उसने अपने दोस्त अक्षय को सारी बात बताई। भाई तूने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, और तेरे साथ वही हुआ जो तूने सोचा। ये लेटर पढ़ने के बाद तेरा दिमाग ऐसी किसी अनहोनी की छाप लिए बैठा था। कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा होगा। फिर भी तू एक काम कर ले, किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा। हो सकता है नई जगह है, तू अकेला भी है, स्ट्रेस या कोई डिसऑर्डर होगा। अब मैं आ जाता हूँ कुछ दिनों के लिए। वैसे भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। सुहान ने अगले दिन ही साइकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट ले ली। रीटा भटनागर काफी पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट थी।
सुहान ने उनको सब कुछ बता दिया, लेटर में क्या लिखा था, क्या हुआ, लगभग सब कुछ। देखिए, हो सकता है आपने लेटर की बात काफी सीरियसली ले ली हो और आपके ब्रेन ने इसको रजिस्टर कर लिया हो। अक्सर ऐसा होता है, फिर नई जगह, आपका अकेलापन, कई फैक्टर्स हैं। वैसे आप किसी ट्रॉमा के शिकार तो नहीं हैं? आई मीन, आपके साथ पास्ट में कुछ ट्रॉमेटिक हुआ हो? ऐसा जब भी होता है तो कई कारणों से होता है। नो डॉक्टर, नथिंग लाइक दैट। ओके, मैं कुछ दवाइयां लिख देती हूं, आप इनको लीजिए और हो सके तो कुछ दिन फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के साथ रहिए, अकेले मत रहिए। एंड अवॉइड अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड लेट्स मीट आफ्टर अ मंथ। पर डॉक्टर, कहीं वो लेटर, कहीं कुछ सुपरनैचुरल? नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलैक्स एंड फॉरगेट दिस। सुहान सोच में भरा घर लौट आया। शाम होते होते अक्षय भी आ गया। दोनों ने ढेर सारी बातें की और जब देर रात दोनों बालकनी में बैठे हवा का मजा ले रहे थे तो अक्षय ने लेटर वाली बात छेड़ी। सुहान झट से लेटर ले आया, पर जब अक्षय ने उसे खोला तो कोरा था। क्या है लेटर का राज? क्या सुहान के साथ कोई अनहोनी हो रही है? सुनाऊंगा आगे की कहानी द रेड लेटर भाग दो में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।